हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल डेवलप में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? आई होप फ्रेंड्स आप स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी आपके लिए एक नए वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं छोटे बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ। देखिए, ये 1 से 2 साल तक के बच्चे का स्वेटर है। मैंने ऊपर 88 फंदे डाल रखे हैं। यहाँ बॉर्डर में 88 फंदे डाले हुए हैं। देखिए, 88 फंदे डाले हैं और 10 सिलाइयाँ जो मैंने उल्टी करके ये बॉर्डर बनाई हुई है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये देखिए इस तरह आएगा। 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ आप बनाएंगे तो इस तरह का ये 5 लाइनों वाला बॉर्डर बनेगा। उल्टी उल्टी करके मैंने 10 लाइनें बना रखी है। अभी देखिए, ये इस फ्रंट की पेस है एक, और ये बाजू है, और ये बैक साइड है, ये भी बाजू है और ये पेस है। ठीक है, इस तरह ये 2 पेसे हैं, 2 बाजू हैं और ये बैक साइड है इसकी। तो फ्रेंड्स मैंने आगे वाली फ्रंट पेस की फ्रंट पट्टी के लिए 8 फंदे रखे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ फंदे डाल रखे हैं और यहाँ मैंने 10 फंदे ले रखे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे ले रखे हैं। सॉरी, 11 फंदे लिए, 11 फंदे, 8 फंदे यहाँ हैं और 11 फंदे यहाँ हैं, और एक फंदा यहाँ बीच का, जो इस तरफ से जाली बनाई, बीच का फंदा इस तरफ से जाली बना के 10 फंदे मैंने बाजू के रखेंगे। नीचे 10 फंदे हैं और यहाँ मैंने 24 फंदे बैक में लिए हुए हैं। ये इसकी बैक साइड है, 24 फंदे मैंने बैक की तरफ लिए हैं और यहाँ भी मैंने 9 फंदे ये बाजू के रखे हैं, और यहाँ भी ये 11 फंदे और 8 फंदे अलग से हैं। और ये देखिए, ये बीच में एक फंदा यहाँ, एक फंदा ये, इससे घर फंदे, यहाँ भी जाली बन रही है, यहाँ भी जाली बन रही है। ये देखिए, फंदे हमने बढ़ाने के लिए जाली डाल रहे हैं। उल्टी तरफ से पूरी रो आपने उल्टी करके बनानी है। ये तो पूरी रो आपने उल्टी करके बनानी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। ये पट्टी के फंदे हैं, यहाँ मैंने काज निकाल लिया है क्योंकि इसमें काज निकला हुआ है। फिर ये फंदे सीधे बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह सीधा। इस तरह ये सीधा बन गया। अब ये बीच वाला फंदा है, यहां से जाली बनेगी, धागा अंदर किया, इस बीच वाले फंदे को इस तरह बना लिया। अब एक फंदा यहाँ बढ़ गया, अब धागा अंदर किया, अब एक फंदा यहाँ, एक फंदा पेस की तरफ से बढ़ गया और एक बाजू की तरफ से बढ़ गया। अब ये फंदे भी हमने पूरे बना देने हैं इस तरह। ये देखिए, ये बीच वाले फंदे बाजू के हैं। अब ये बीच वाला फंदा आगे ऐसे अंदर किया धागा, ये जाली डाली इस तरफ, बाजू की तरफ फंदा बन गया। अब धागा अंदर किया, इसमें यहाँ भी जाली बना दी, एक फंदा यहाँ बढ़ गया। ये अब ये बैक वाला साइड का आया, ये पीठ का पल्ला, उसकी तरफ से ये देखिए इस तरह।
देखिए यहाँ जाली डाली इस तरह, एक फंदा यहाँ, ये भी जाली डाली, अब ये बाजू के फंदे आ गए इस तरह। ये हमारे बाजू के फंदे आ गए। ये 1 से 2 साल तक के बच्चा इस ड्रेस को डाल सकता है, इस हिसाब से ये बना रहे हैं। ये देखिए अब ये फंदा है, ये एक जाल यहाँ डाल दी और एक इस ये पेस की तरफ आ गई, ये वाले अगली पेस आ गई। ये देखिए अब ये 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, क्योंकि ये पट्टी के फंदे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये हमने जाली बना रखी है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 6 ही बनी, ये ऊपर वाली 7, इस तरह हमने। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी न्यू बोर्न बेबी के सेट का डिज़ाइन डाला हुआ था, अब फिर दोबारा मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया, ये देखिए, ये इसकी पेस है, ये बाजू हैं, ये बाजू हैं, और ये बैक साइड है इसकी। ये देखिए बैक साइड से इस तरह दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 88 फंदे डाले हुए हैं, 88 फंदे डाले हुए हैं, और ये 8 फंदे यहाँ रखे हुए हैं पट्टी के, यहाँ भी 8 फंदे रखे हुए हैं, और ये जो है, ये देखिए इस तरह 8 फंदे ये फ्रंट की पट्टी के हैं, और ये पेस है, ये इस तरह 12 फंदे मैंने यहाँ रखे हैं, 12 यहाँ रखे हैं, 10 फंदे यहाँ रखे हैं, और 10 फंदे और 24 फंदे यहाँ, 88 फंदे मेरे ये टोटल हैं। ठीक है, ये 88 फंदे हैं। ये देखिए, ये मैंने 88 फंदे डाले हुए हैं। 88 फंदे डालने के बाद ये देखिए, मैंने 10 सिलाइयां बॉर्डर की बना रखी है, 10 सिलाइयां मैंने बॉर्डर की बना रखी है, और फिर ये 8 फंदे मैंने इस पट्टी के रखे हैं, 8 फंदे मैंने इस पट्टी के रखे हैं, और ये 12 फंदे मैंने यहाँ रखे हैं, 10 फंदे यहाँ, 24 फंदे यहाँ, 10 इस बाजू के और 12 यहाँ, एक फंदा हमारा यहाँ है, एक यहाँ है, एक फंदा ये है और एक फंदा ये है, 4 फंदे ये। और फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमने यहाँ 19 जालियां डाली हुई है, ये मैंने 19 जालियां डाली है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जालियां मैंने यहाँ डाली हुई है। 19 जालियां डालने पर ये जो हमारे 12 फंदे जो हैं, ये देखिए, ये जो 12 फंदे हैं, तो हमने 19 जालियां डाली, तो हमारे कितने फंदे हो गए, ये देखिए मैंने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, ये देखिए ये 12 फंदे हैं, तो यहाँ हमारे 39 फंदे, 31 फंदे हो गए, और 31 फंदे हो गए, और 12 फंदे प्लस 8, ठीक है, ये 31 है और प्लस 8 हो गए, ठीक है, ये 39 फंदे हमारे टोटल हो गए, यहाँ इन दोनों को मिला के 39 फंदे यहाँ हो गए, 39 फंदे यहाँ हो गए, और ये 19, 19, 38, 10, 38,
48, एक फंदा ये है, एक यहाँ, 50 फंदे हमने यहाँ कर दिए और 50 फंदे यहाँ। अब 24 फंदे ये हैं, तो 19 19, 38, 38 और कर दो प्लस इसमें, ये 2 6 62 फंदे ये हो गए, ठीक है। इस तरह ये 62 फंदे हमारे हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बैक साइड में ये फंदे हैं, और ये फंदे मैंने अलग से बाजू में पकड़ लिए हैं। ये 50 फंदे हैं, और ये भी 50 फंदे हैं, और ये 39 फंदे हैं। इन्हें हम इस तरह रखेंगे। अब ये देखिए, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये देखिए, इस तरह रखेंगे, ये देखिए, इस तरह रखने पर इस तरह आएगा ये। अब इस डिजाइन को हम, अगर आपने खुली कोटी बनानी है, खुली पेस वाली कोटी बनानी हो, तो आपने यहां से खुला रखना है इसको। अगर नहीं बनानी हो तो इसको बंद करना है। ये मैं आपको अगले सेकंड पार्ट में बताऊंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये देखिए, ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे का है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बेबी सेट का डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड बेल आइटम जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद। बाय बाय।